हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और DSSB ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC 44/21 की आंसर की आउट कर दी है। आंसर की और ऑब्जेक्शन जो फॉर्म है वो आउट हो गया है। तो आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम की जो आंसर की है यानी कि क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पे अगर ग्रुप में है तो वहाँ पे भी डाल दूंगा। इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये कैंडिडेट लॉगिन पेज आएगा। जैसे कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था वैसे ही आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको स्लैश लगाना है, DD/MM/ 4xY स्लैश नहीं लगाओगे तो इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये लॉगिन होने के बाद आप लोगों को ऐसा कुछ पेज दिखेगा जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था। फिर आपको क्वेश्चन पेपर पे जाना है और यहाँ पे नीचे लिखा होगा क्लिक हेयर टू जनरेट इट। तो हेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है और उसका करेक्ट आंसर जो DSSB का करेक्ट आंसर है वो उन्होंने मार्क करा हुआ है ग्रीन में, बट यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो जिन लोगों ने DSSB का पेपर आज तक नहीं दिया तो उन लोगों को लगेगा कि इसका फ़ायदा क्या है, और जिन जो लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं DSSB के फॉर्मेट को उन्हें पता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स DSSB नहीं दिखाता है, कि हमने क्या मार्क करा है, जो कैंडिडेट गया था एग्ज़ाम देने उसने क्या सिलेक्ट करा है वो नहीं दिखाता है DSSB। तो अब वो नहीं दिखाता है तो इस आंसर की का फ़ायदा क्या है। इस आंसर की का मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि DSSB ने उसका आंसर गलत मार्क करा हुआ है या फिर वो क्वेश्चन ही गलत है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म पे जाके उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना होता है, और अगर ऑब्जेक्शन वैलिड होता है तो फिर DSSB उस क्वेश्चन को हटा देती है आपकी शिफ्ट से, ठीक है। तो ये मकसद DSSB की तरफ से होता है क्वेश्चन पेपर दिखाने का। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, ये फायदा ये होता है कि हम आगे आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं ये देख के कि भाई हाल फिलहाल में जो DSSB ने एग्जाम पूछे थे उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों को इसके लिए यही करना होगा, अपना अपना एडमिट ये जो आपकी आंसर की है इसे डाउनलोड करके आगे अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। अब एक आपके पास तो एक ही शिफ्ट होगा या फिर आप एक दो कोई फ्रेंड होगा तो उसकी शिफ्ट भी आपके पास आ जाएगी। तो अब यहाँ पे 30 से ज़्यादा शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था 44/21 का, तो सबकी कंपाइल शिफ्ट जो एक पूरी एक PDF तैयार कर लेंगे जिसकी सभी शिफ्टों के जो एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग ऐसा करो कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोग अपनी अपनी जो आंसर की है वो मुझे मेरे पास शेयर करो। उन सब का जब 30-32 जो शिफ्ट हैं सारी शिफ्ट मेरे पास आ जाएंगी तो उनको मैं कंपाइल करूँगा, एक ही PDF बना दूंगा और फिर उसको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग सबके पास सारी की सारी शिफ्ट पहुंच जाएं। जो भी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको फ़ायदा उससे पहुंचेगा, अगर आप भी हैं तो आपको भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई अपडेट आएगी तो आपको ऐसे ही वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा और टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल दिया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।